हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस मैं हूं आपका होस्ट कोमल नहाटा कल चार फिल्में रिलीज हो रही है तो आइए प्रीव्यू करते हैं कल रिलीज होने वाली फिल्मों को लेट्स बिगिन विद लंडन पेरिस न्यूयॉर्क लंदन पेरिस न्यूयॉर्क इज द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय एंड अ यंग गर्ल लड़की और लड़का जो लंदन में मिलते हैं एक दिन साथ में गुजारते हैं एंड दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर लड़की को न्यूयॉर्क जाना है टू स्टडी पॉलिटिक्स और लड़के को लंदन में ही रहना है टू स्टडी फिल्म मेकिंग लेकिन उस एक दिन की दोस्ती जो थोड़ी थोड़ी प्यार में बदल जाती है इसके कारण वो प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से दा दा से द द बॉय वुड मीट गर्ल इन न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क खैर पहले कुछ सालों बाद वो दोनों वापस पेरिस में मिलते हैं और पेरिस में जो उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी तो पेरिस में क्या होता है दिस लव गो फॉरवर्ड और कुछ दरार आ जाती है उनकी दोस्ती में टाइटल सजेस्ट अंत में जाकर और कुछ सालों बाद वो न्यूयॉर्क में मिलते हैं और जब कुछ सालों बाद वो न्यूयॉर्क में मिलते हैं क्या उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है और नतीजे तक पहुंचती है या फिर कुछ नहीं होता है वेल well, लंडन पेरिस न्यूयॉर्क में है अली जफर और अदिति राव हैदरी और मजे की बात यह है कि सिर्फ ये दो किरदार हैं एक दो छोटे मोटे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं लेकिन उनके रोल्स बहुत ही छोटे हैं वेल well, वैसे तो ये फिल्म भी छोटी है इट्स अबाउट 90 टू 95 मिनट्स इन रनिंग टाइम इसके प्रोड्यूसर्स हैं गोल्डी बहल और शिष्टी आर्या द सिस्टर ड्यूओ एंड इसकी डायरेक्टर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है अनु मेनन इसका संगीत दिया है अली जफर ने हु इज ऑल्सो रिटेन द सॉन्ग्स दैट इज इज द लिरिस्ट ऑल्सो द सिंगर ऑल्सो और एक गाना आदिति राव हायदरी ने भी गाया है फिल्म के प्रोमोज देखकर ऐसे लगता है कि ये कोई छोटी फिल्म नहीं है हालांकि द बजट

जो कहानी नजर आती है ट्रेलर से ऐसे लगता है कि यूथ को डायरेक्ट की गई है ये फिल्म एंड लेट्स सी हाउ द यूथ रिएक्ट्स टू द फिल्म वो तो कल ही मालूम चलेगा सो दिस वाज एज फार एज लंडन पैरिस न्यूयॉर्क इज कंसर्न